देखो, बेरोजगारों को विभिन्न मांगों को लेकर आज बाड़मेर जिले में हमारी मीटिंग हुई है और हमने जो 7 विधानसभा क्षेत्र है उसमें 10-10 विस्तारक बनाए हैं और वो 10 विस्तारक अपने हर ग्राम पंचायत पर विस्तारक बनाएंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में भाजपा मुक्त राजस्थान के निर्माण की हमने शपथ ली है। क्योंकि हर जिले में हम सभा कर रहे हैं और विस्तारक बना रहे हैं, क्योंकि इस भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ करना है, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों को खून के आंसू रुलाए हैं, लाठीचार्ज किया है, मुकदमे दर्ज किया और उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। सबसे प्रमुख मांगे हमारी है कि जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी राजस्थान में 50% कोटे में आरक्षण ले रहे हैं और राजस्थान के लोगों को हक मारा जा रहा है, इसलिए वो उन लोगों को रोका जाए, उनका 5% कोटा किया जाए, रीड शिक्षक भर्ती में वेटेज कम किया जाए, एक ही प्रमाण पत्र से एक बार नौकरी दी जाए और जो लंबित भर्तियाँ हैं समय पर एग्जाम हो, कई चीज़ें मांगे हैं जिनको लेकर आज हमने यह प्रदर्शन किया है और ज्ञापन देंगे और खुली चेतावनी सरकार को दे रहे हैं कि यदि आपने बेरोजगारों के मांगों को नहीं माना तो आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ करेंगे। और आज कलेक्टर के सामने सबने इसको साक्ष्य मानते हुए शपथ लिया कि हम न तो वोट देंगे और घर घर जाकर प्रचार करेंगे और भाजपा मुक्त राजस्थान का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री के नाम से एक खुली चेतावनी पत्र है और मुख्यमंत्री के नाम से दे रहे हैं और खुली यह चेतावनी है कि आपने हमारी मांगे नहीं मानी, क्योंकि हमने जो विस्तारक बनाए हैं ये विस्तारक घर घर जाकर पर्चे भी बांटेंगे, प्रचार भी करेंगे, क्योंकि हर विधानसभा और हर ग्राम पंचायत में विस्तारक बनाए जो उनकी जिम्मेदारी कि अपने टीम भी बनाएंगे और ये पूरे प्रदेश में, बाड़मेर नहीं पूरे प्रदेश में हमारा ये अभियान चल रहा है, भाजपा मुक्त राजस्थान की घोषणा हमने की, क्योंकि राजस्थान में पहली बार बेरोजगारों की अहमियत बनी है। क्योंकि हमने पिछली सरकार ने जो सिस्टम खराब था तो राजस्थान के बेरोजगारों ने उनको 20 सीटों पे समेटा और इस सरकार को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन इसने उससे भी ज़्यादा बदतर बेरोजगारों के साथ गलत काम किया है, अत्याचार किए, तो हम इसको भी सबक सिखाएंगे और हो सके क्योंकि आने वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा अहम योगदान राजस्थान के युवा बेरोजगारों का होगा और युवा बेरोजगार उनके साथ जाएंगे जो स्टाम्प पे शपथ पत्र पे बेरोजगारों की मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, उसके साथ राजस्थान के बेरोजगार होंगे, अन्यथा जो बेरोजगारों की मांगे नहीं मानेंगे सुपड़ा साहब राजस्थान के विरोध करेंगे।